हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब 14 वर्ष वन में वास करके जब वापस अयोध्या में पधारे और भगवान श्री रामचंद्र जी का राज तिलक हो गया, उस समय राम जी के कुल गुरु वशिष्ठ जी ने लखन जी के पीठ को थपथपाए। वशिष्ठ जी ने कहा, लखन तुम धन्य हो कि तुमने राम की सेवा के लिए 14 वर्ष तक नारी निद्रा और आहार तक का भी त्याग कर दिया, धन्य हो लखन। उस समय यह बात भगवान राम ने सुन लिया और भगवान राम ने लखन जी से पूछा कि लखन, गुरुदेव जो कह रहे हैं क्या ये सच है कि तुमने 14 वर्ष तक आहार नहीं किया, क्या ये सच है? लखन जी ने कहा, हाँ भैया ये सच है। भगवान राम ने कहा, लखन मैं तो स्वयं अपने हाथों से तुम्हें फल फूल का दोना दिया करता था, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने खाया ही नहीं? लखन जी कहते हैं कि भैया मैं जो है, आप जब भी मुझको खाने का दोना देते ना, तो मैं आपके प्रेम और भक्ति का संकल्प करके मैं उस फल के दोने को अयोध्या में भेज देता था। लखन जी कभी भी राम जी के सामने खाते ही नहीं थे, वन में छिप जाते थे। राम जी ने एक बार पूछा कि लखन तू मेरे सामने खाता क्यों नहीं है? लखन जी ने कहा कि भैया मैं क्या बताऊं, आप और मैया सीता को जब मैं ये फलमूल खाते हुए देखता हूँ ना, तो मुझसे रहा नहीं जाता है, इसीलिए मैं जो है छिप जाता हूँ। भगवान राम ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुमने मेरे द्वारा दिए गए फलमूल को खाया ही नहीं? लखन जी ने कहा कि प्रभु आपको तो सब कुछ पता है, शायद आप दुनिया वाले लोगों के लिए पूछ रहे हैं, सब कुछ एक घर में रखा हुआ है। लखन जी गुरु वशिष्ठ जी को लेकर के अयोध्या के एक महल में गए, वहाँ पर भगवान राम ने 14 वर्ष में जितने दोने दिए हुए थे वो सब का सब दोना वैसे ही पड़ा हुआ था। भगवान राम ने गिनती किया तो 14 वर्ष में जितने दिन होते हैं उतने में से 4 दोना कम पड़ गया। राम जी ने पूछा कि मैं तो तुम्हें रोज ही दिया करता था, तो फिर ये 4 दोना कहाँ गया, 4 दोना फल कहाँ गया? लखन जी रोने लगे। लखन जी ने कहा कि भैया आपने वनवास काल के समय में हमको 4 दिन फल का दोना दिया ही नहीं, कब? जब आपका वनवास हुआ था ना, उस दिन आपने कुछ नहीं खाया और मुझे भी कुछ खाने को नहीं दिया, एक दिन वो नहीं मिला, और दूसरा जब आप चित्रकूट में पिता दशरथ के मृत्यु का समाचार सुने ना, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और मुझे भी कुछ नहीं दिया, और जब वनवास काल के समय में माता वैदेही का हरण हुआ, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और मुझे भी कुछ नहीं दिया, और चौथा जब मेघनाथ ने मुझे बाण मारा उस समय मैं मूर्छित था, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया और मुझे भी कुछ नहीं दिया। भगवान राम ने जैसे ही लखन जी के बात को सुना, भगवान राम के आंखों से प्रेम की गंगा बह चली। राम जी ने लखन जी को गले से लगा लिया। राम जी ने कहा कि लखन तुमने 14 वर्ष तक मेरी सेवा की, 14 वर्ष मेरे लिए तुमने नारी निद्रा और आहार तक का त्याग कर दिया, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुमने पता भी नहीं चलने दिया, तुमने मुझको पता भी नहीं चलने दिया।
उस समय भगवान ने रोते रोते गुरु वशिष्ठ जी के सामने प्रतिज्ञा लिया। भगवान राम ने कहा कि लखन, जब मैं कृष्णा अवतार लूंगा ना, तो उस अवतार में तुमको अपना बड़ा भाई बनाऊंगा, और इस जन्म में तुमने जो मेरी सेवा की है ना, उस ऋण का भार उतारूंगा। इसीलिए भगवान जो है अगले जन्म में कृष्णा अवतार में लखन जी को अपना बड़ा भाई बलराम बनाए।